बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या जनता को संदेश देना चाह रहे हैं। जनता को संदेश साफ है, पूरे देश में मोदी जी के नाम की लहर चल रही है, श्रावस्ती लोकसभा में मोदी जी की सुनामी चल रही है, और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ की जनता नकार चुकी है, क्योंकि उनका जो कार्य व्यवहार रहा है, जो क्रियाकलाप रहा है, 5 साल क्षेत्र से गायब हो गए। सपा और बसपा के उम्मीदवार बाहरी हैं और उनकी जो पृष्ठभूमि है, जो उनका चरित्र रहा है, वो खुद मंचों से कहते हैं कि हमारे ऊपर इतने मुकदमे हैं, 182 मुकदमे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये श्रावस्ती लोकसभा की जनता है, बहुत ही शांति प्रिय, शांति पसंद जनता है। ये गौतम बुद्ध की पावन तपोस्थली रही है, माँ पाटेश्वरी की शक्तिपीठ का स्थान है। ऐसे तत्वों से डरने वाली नहीं है, घबराने वाली नहीं है, ऐसे तत्वों को खदेड़कर उनके वापस घरों को भी भेजने का। भारी संख्या में यहाँ पे नरेंद्र मोदी का प्रचार प्रसार है, जैसा कि सारी जनता कह रही है, भारी संख्या में रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो आप ये किसी से सीधी टक्कर मानी जा रही है आपसे इसी भी, क्योंकि पार्टी के कई सारे प्रत्याशी है, सीधी टक्कर किससे मानी? अटल जी की कर्मभूमि पर अमान्य अटल